हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं जंगल में कार कैंपिंग, कार के बगल में डोम कैंपिंग। अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, अब आपको कार दिख रही है, और ये हमने कैंपिंग का सेटअप लगाया है। अभी प्रॉपर लाइट नहीं हुई, इसलिए गाड़ी की लाइट जलाई हुई है। और यहाँ जंगल में हम बनाने वाले हैं गोभी मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम तो मैं खा नहीं सकता क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ। गोभी मुसल्लम हम बनाएंगे। एक ये चूल्हा हम खरीद के लाए थे 250 रुपये का, और इससे यहाँ ही जंगल में पकाएंगे गोभी मुसल्लम। मुसल्लम का मतलब होता है कि जो चीज़ साबुत पका ली जाए। ये सल्तनत काल में बनती डिश। अगर मुर्ग मुसल्लम है तो मुर्गा पूरा साबुत हो, माही मुसल्लम हो तो मछली साबुत हो, लेकिन वेजिटेरियन आदमी के लिए गोभी मुसल्लम, पूरी साबुत गोभी को हम पकाएंगे कढ़ाई में। मेरे साथ कैंपिंग कर रहे हैं पुष्कर और हरिमोहन, और फिर दो लोग हम लोग कैंप पे सो जाएंगे और हरिमोहन गाड़ी में सो जाएगा पीछे वाली सीट पे। तो ये हमारा कैंप लगा हुआ है और ये अभी चूल्हा तैयार कर रहे हैं। आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कैंप लगाया हुआ है और ये गाड़ी खड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर में लाइट ऑफ कर दूंगा, थोड़ा आग जल जाए तो रोशनी हो जाएगी। टॉर्च है मेरे पास, अंदर कैंप के अंदर जल रही है। और हम अपने साथ लाए हैं खाने पीने का सामान, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये गोभी मुसल्लम का सामान हमने तैयार कर लिया है, तो अभी हम बनाएंगे गोभी मुसल्लम। कुल्हाड़ी है, लकड़ी काट ली है, आग जलाने की तैयारी चल रही है। और आसपास के नज़ारे को मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, घुप अंधेरा है। अगर आप सुनेंगे आवाज़ तो झींगुर और उन सब की आवाज़ आ रही है। ये गाड़ी खड़ी हुई है स्टार्ट, उसके सामने कैंप लगा हुआ है और उसके सामने पुष्कर और हरिमोहन चूल्हे की तैयारी कर रहे हैं। और उसके आसपास भी देखेंगे तो एकदम घनघोर अंधेरा है। ऊपर आसमान में तारे हैं। चारों तरफ एकदम अंधेरा है, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि हम लोग तीन लोग हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आग जल गई है, कैंप में कवर लगा दिया है क्योंकि रात को ठंड लगेगी। अभी प्रॉपर भी कर देंगे इसको। और इसके अंदर मैट्रेस बिछा हुआ है और टॉर्च जल रही। टॉर्च में बाहर निकाल लेता हूँ कि जरूरत बाहर ज़्यादा है। मैंने गाड़ी बंद कर दी और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो आग जल रही है हमारी और टॉर्च। ये है गोभी, ये टमाटर है, और बढ़िया बनेगी क्योंकि पुष्कर के हाथ से मैंने पहले भी खाई है, इसीलिए मैं पुष्कर को लेके आ गया था कि ट्राई मारना ठीक नहीं है, बढ़िया बननी चाहिए। रोटी हम बनवा के लाए हैं, तो गोभी मुसल्लम और रोटी खाएंगे। ये हमारे टमाटर वगैरह काट के तैयार कर लिए हैं, ये मसाले हैं। आग पूरा बॉनफायर का मज़ा दे रही है। गाड़ी की लाइट ही जला दी है क्योंकि दिख नहीं रहा है प्रॉपर खाने में। मेन लाइट में टॉर्च लाना भूल गया हूँ, तो तेल गरम हो रहा है, दिख रहा है इसमें तेल गरम होते हुए। और ये पेड़ नज़र आ रहे हैं, एकदम घना जंगल है, लेपर्ड का इलाका है। देखो गाड़ी में झांक के देखो, पानी है क्या? अभी दोस्तों क्या गड़बड़ हो गई कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया, तो जैसे ही हमने गोभी डाली तो इसमें आग लग गई थी, तो हमने साइड में उसको उतार लिया है।
पंखा चालू है, पंखा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चलाते, क्योंकि जब तक हम लकड़ी वकड़ी तैयारी कर रहे थे तेल ज़्यादा गर्म हो गया। गैस में आइडिया होता है, लकड़ी में आइडिया होता नहीं है। ये देखिए ये कंडीशन हो गई है, लेकिन अच्छी करारी बनेगी, कुरकुरी एकदम, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। तेल से एकदम छींटे निकले और कैमरे पे भी आ गए हैं। ये आप देखिए, गाड़ी की लाइट जलानी ही पड़ रही है, नहीं तो जंगल में ऐसा है नज़ारा। ये पेड़ों के ऊपर ये दूर दूर तक जहाँ रोशनी जा रही है, ऊपर तारे हैं और यहीं कहीं से हमें देख रहा होगा लेपर्ड। ये हमारा कैंप है जहाँ टॉर्च पड़ रही है, इसी गाड़ी, ये हमारा खाना बन रहा है। रात को हम कैंप के बगल में यहाँ पे आग जला देंगे, क्योंकि एकदम पास में जलाना ठीक नहीं है, और ये वाला चूल्हा भी यहाँ रख देंगे, इसमें भी अंगारे रहेंगे और कार में हरीमोंस हो जाएगा। थोड़ी लकड़ियाँ कम पड़ गई थी तो लकड़ियाँ लेके आया हूँ। गोभी हमारी काफ़ी करारी बन गई है, अब इसमें क्या डालोगे पुष्कर? इसके बाद उसका मसाला बनाएंगे। अभी बढ़िया बनने जा रही है, बन के बताता हूँ कैसी। इसमें क्या होता है, साबुत गोभी डालनी होती है, पूरी पूरी गोभी डालनी होती है, पूरी चारों तरफ से करारी बन गई है। ये हमारी गोभी बिल्कुल प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। जब तक खाना बन रहा था तो गाड़ी की लाइट ऑन रखी है, उसके बाद फिर ऑफ कर देंगे। जीरा से करी पत्ता है, जीरा करी पत्ता डाल दिया, ये लहसुन डाल दिया, अदरक, तो आपको मैं पूरी गोभी मुसल्लम बनाने की रेसिपी भी समझा रहा हूँ, वो भी जंगल में बैठ के, क्योंकि और तो कुछ करने के लिए है नहीं। ये प्याज डाल दिया, इसीलिए मैं पुष्कर को ले आया था कि खाना बढ़िया बनेगा, पता चला कि मेरे हाथ से जंगल में खाना बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। रोटी बनाने में झंझट थी तो हम बना के ले आए थे। बिल्कुल मस्त फ्राई हुई है, आप देखो नज़दीक से, और ये टमाटर मिर्च, ये क्या तेज पत्ता है क्या? कस्तूरी, ये कसूरी मेथी है, ये कसूरी मेथी है। इधर हमारा प्याज भी ऑलमोस्ट भून चुका है, बीच बीच में गाड़ी का वो रेडिएटर वाला फैन चालू हो जाता है, खड़ी गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट नहीं करूँगा तो फिर बैटरी चली जाएगी उसकी। अब ये गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मसाला तो भुन चुका है, फिर ज़रूरत पड़ेगी अभी सर्व करने के, खाना खाने के टाइम पे ऑन कर देंगे। अब डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्च,
अगर चूल्हे में भी जबरदस्त आग हो रही है, क्योंकि ये लोहे का चूल्हा है तो वो भी रेपल कर रहा है, तो लकड़ी से इसीलिए मैं लेके आया था, क्योंकि यहीं से ऋषिकेश से, क्योंकि अगर पत्थर पे जलाओ तो इधर से आँच निकल जाती है, उधर से निकल जाती है, और अगर गैस में जलाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। जंगल में कुकिंग का मज़ा तो चूल्हे पे ही है। अब देखिए कितना बढ़िया मसाला हो गया। अभी इसमें हमने टमाटर भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिए। अब देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, ग्रेवी बन गई है और बहुत ही टेस्टी गोभी मसल्लम बनने वाला है। पीछे जानवरों की आवाज़ आ रही है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब ये गोभी डाल रहे हैं जो हमने फ्राई की थी, वो गोभी इसमें ग्रेवी में। अब ये इसमें बिल्कुल ग्रेवी चारों तरफ से इसको चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल साबुत गोभी है, अच्छे से फ्राई की हुई है, और हमारे तेल में आग लग गई थी तो और अच्छे से फ्राई हो गई है। तो आपको चटपटा मसाले वाला खाना खाना हो तो गोभी मसल्लम खाइए, मुर्ग मसल्लम मत खाइए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। अब इसमें डाल कस्तूरी मेथी, इससे खुशबू भी आ जाएगी। अभी जबरदस्त खुशबू आ रही है, एकदम बढ़िया कलर आ गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये बन के तैयार हो चुकी है गोभी मसल्लम। साबुत गोभी है और बहुत बढ़िया ग्रेवी है। गोभी मसल्लम तैयार हो गई है। दोस्तों पीछे से लेपर्ड की आवाज़ दो तीन बार आ चुकी है, और दो तीन बार जो आवाज़ आई है वो बढ़ती ही गई है, मतलब हमारी तरफ ही कहीं पहाड़ के ऊपर कहीं पे है, दो तीन बार बोला अभी। तो देखते हैं, दो मन बन रहे हैं, शायद हम रात को ना रुके। इसको यहीं कढ़ाई में ही काट दिया है। अब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर हमारा रिजॉर्ट है। अभी प्लान ये बना है कि ये खा के निकल जाएंगे, क्योंकि हरिमोहन तो गाड़ी में सोने वाला है, हम लोग टेंट में सोने वाले हैं, तो ठीक नहीं है मामला, क्योंकि आसपास ही मूवमेंट कर रहा है वो। अब दोस्तों ये टेस्ट करने जा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि वैसे डर नहीं लग रहा है क्योंकि लेपर्ड की मूवमेंट है, लेकिन जब तक गाड़ी की लाइट, अभी हमने लाइट भी ऑन कर दी है, आग तो है ही क्योंकि काफ़ी बार आवाज़ आई है। तो अभी प्लान ये बना है कि रुकेंगे नहीं रात को, इसको खाते हैं, ये लोग भी खा लें, फिर समेट के निकल जाते हैं, क्योंकि आग बुझ गई रात को फिर जानबूझ के खतरा मोल क्यों ले रहे हैं, जब पास में ही मूवमेंट है और काफ़ी बोल रहा है तो अवॉइड करते हैं फिर। तो मैं अभी ये खा के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। गजब गजब, बहुत ही टेस्टी। मैं तो सोच रहा हूँ रोटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत पूरा पक गया है, और पुष्कर ने ग्रेवी भी जबरदस्त, खैर पुष्कर का खाना तो बहुत अच्छा ही, लेकिन बहुत बढ़िया बना। मैं नहीं समझता किसी को नॉनवेज खाने की ज़रूरत है। तो मैंने भी खा लिया खाना, और पुष्कर और हरिमोहन ने भी खा लिया। अब हम टेंट समेटने जा रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आ बैल मुझे मार नहीं, क्योंकि ये घर, क्योंकि ये घर है लपट का, हमारा नहीं है, तो पंगा नहीं लेते, उसको समेटता हूँ फिर।
ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि कोई फन है, कैंपिंग फन है, बिना मतलब मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक लाइट जल रही है अभी हमें कोई डर नहीं लग रहा है, हम आराम से ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमें वॉच कर रहा है लेकिन आएगा नहीं, लाइट भी जल रही है और वो भी देख रहा है कि हम लोग तीन लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात का भरोसा नहीं है। और आज ट्रैक करने दिन पे गए थे तो वो बता रहा था, एक वो मिला था बंदा, वो बोल रहा था कि काफ़ी बड़ा लेपर्ड है जो उसने कल देखा और एकदम पास से देखा, बोल रहा पत्थर मारा तो भागा, वो बकरियों को पकड़ने की तो घात लगा के बैठा था, और वो कह रहा था कि आदमियों से डर भी नहीं रहा है, क्या पता वही हो। तो रात को सोना ठीक नहीं है, तो अब निकल रहे हैं हम लोग सामान पैक करके। दोस्तों कोशिश तो की थी कैंपिंग करने की, चलो गोभी मुसल्लम जंगल में बन गया, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।